गवर्नमेंट रेट से इतना देना बोल के देना, कोई कोई अच्छा क्वालिटी पता प्रोड्यूस किया जिनको नॉर्मल सबको ही एक ही रेट दिया। अगर जो दी जो अच्छा प्रोड्यूस प्रोडक्शन दिया उसको अच्छा रेट नहीं मिलने तो कोई भी अच्छा रेट प्रोडक्शन नहीं देगा। इन लोगों को जो अच्छा प्रोडक्शन किया वाला आदमी लोग को अच्छा रेट मिलने के लिए हम लोग इधर उसके पूछने के लिए इधर आया। एडीसी बोला इन लोगों को जो बोलना कितना रेट मिलना गवर्नमेंट से वो देना बोला। मालिक बोल रहे सीधा उसको लॉस में चल रहे, लॉस में चलना वाला इधर क्यों बने? ये लोग का पत्ता एक महीना के लिए चलाने के लिए ले, लॉस में चलना वाला फिर क्यों क्यों चलाना और भी ये लोग का पेट पर मारने के लिए? उसको तो कुछ लॉस नहीं होगा, मिशनरी इधर बैठेगा, ये लोग का पत्ता जाके बिक्री करके ये लोग का पैसा देता है ना, पहले तो पैसा नहीं देता यार। आप लोग का जो प्रॉब्लम है, आप लोग आज यहाँ खेती में आने का मतलब क्या है उद्देश्य, वो थोड़ा बता दीजिए। हम लोग का लास्ट महीने अगस्त महीने में जो फैक्ट्री बिल दिया वो तो गवर्नमेंट रेट से जो देना वो लोग नहीं दिया। एक्चुअली गवर्नमेंट रेट से इतना देना देना बोल के देना, कोई कोई अच्छा क्वालिटी पता प्रोड्यूस किया जिनको नॉर्मल सबको ही एक ही रेट दिया। अगर जो दी जो अच्छा प्रोड्यूस प्रोडक्शन दिया उसको अच्छा रेट नहीं मिलने तो कोई भी अच्छा रेट प्रोडक्शन नहीं देगा। इन लोगों को जो अच्छा प्रोडक्शन किया वाला आदमी लोग को अच्छा रेट मिलने के लिए हम लोग इधर उसके पूछने के लिए इधर आया। अच्छा, तो आप लोग को मतलब कमिटी क्या रेट डिसाइड किया, गवर्नमेंट क्या रेट डिसाइड किया और यहाँ से क्या दे रहे हो बता दीजिए। कमिटी रेट तो 40% से एबो को 19 रुपया दिया था, 41 से 19 51 तक है, 51 से 60 तक कैसे था, 41 से 50 तक आपका 19 रुपया 19 रुपया था और 51 से 60 तक आपका 24 रुपया था, 24 एंड 60 एबो 31 था। ये आदमी देखो, आपको ये आदमी को देखेगा, इसका पता तो 60 तक आया, इतना अच्छा पता दिया, इसको भी मिला 16 रुपया, 62% तक आया, इसको भी 16 रुपया मिला, फिर कैसे कोई अच्छा प्रोडक्शन देने के लिए कोचेगा नहीं है ना। सबको अच्छा पता प्रोडक्शन करने के लिए जो अच्छा प्रोडक्शन देता है वो लोग को अच्छा रेट देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप लोग आए तो आप लोग को क्या कहा गया है? मालिक आएगा बोल रहा है, मतलब फर्स्ट बार आया था लो, बोल दीजिए ना। তো আগত আহমদ আমি কলো কিবা একটা মিলাই দে স্যার, মালিক কিবা একটা মিলাই দিবি, আমার রেট কম হয়েছে। তো ই কইছে মোটো 2 বছর পৰা ফ্যাক্টরি লস চলি আছে, মই দিব নোৱাৰো। হ্যাঁ, তো দিব নোৱাৰো, তো এনেকুৱা হলে নেক্সট বছৰটো কেনেকৈ আমি পাত পেলাব পাৰিম, কোনে পাত পেলাব? তো তই নেপেলালে কি, তোক পুচোৱা নাই যদি নেপেলাবি ভাই, ডাইৰেক্ট মালিকে কৈছে তোক পেলোৱা নাই, ইয়াক দেখাই কেনে কৈছে তোক পুচোৱা নাই যদি নেপেলাবি। হ্যাঁ, তই নেপেলালে কি হ'ব, নেক্সট চেইন লিখিয়া চলিব, দুসরা আইব, চেইন লিখিয়া ঘুরি থাকিব, এটো তো চেইন লিখিয়া হয় বলি কৈছে। তো আমি কি করিম, এটা উপায় নাই, আমি তো এডিসি ওষুধ গৈছো, ডিসি ওষুধও গৈছে, আমার যোনটো এপ্লিকেশনটো জু আমি ই করছো, তারপর লাস্টত এতিয়া আমি অরুণাচল সিম্পু ইউথকে বি কৈছো, লড়াবিলাক আইছিলে এতিয়া, তো এতিয়া গোল অলপ দেরি হল তোমালোকৰ আহিব কারণে, আমার অলপ জলদি উলাই গল। তো এইটোয়ে আমার, এইটোয়ে নয়, আজি আমি শনিবার পৰা পাত বন্ধ কৰিছিলোঁ, তো আমি বন্ধ করেছিলো, তো বন্ধ করেছে এতে তার মানে পাটো মাঝে মাঝে লই আছে অল্প, আর কালি 4-5 হাজার মান গিরিলে বলে কেছে, তো এটা আমাকে বন্ধ হব লাগে, পাটো লব না লাগে, কেলে বন্ধ করেছো, আমি আমি 25 জন বন্ধ করেছো, তো কোনে পেলাব পাট? আচ্ছা, মতলব আপনি আপলোক জিতনা লোক হে ইয়াহা পে জো জো পাট দিয়া জাতা হে লোক হামারে চ্যানেল কে মিডিয়াম সে সরকার কো কুছ বকবাস করনা চাহেগা? আজকাল তো খেতি মে দেখিয়ে ইতনা মুশকিল কর রহে আদমি লোক, लेबर को सब कुछ मिला के 6 रुपया खर्चा पड़ता है 1 किलो में, उसका मेंटेनेंस के लिए ऑर्गेनिक होना तो बहुत खर्चा ज़्यादा होता है, नॉर्मली केमिकल यूज़ करके खेती करना तो भी 6 रुपया मैन्योर में सब मिला के 6 रुपया पड़ता है, 12 रुपया उतना क्वेश्चन है। मिट्टी बाड़ा कोई कोई लीज में चलता है ना, उसका 1% होता है, 6 रुपया पड़ता है, 18 रुपया पड़ता है, 18 रुपये का अपने कंसोलमेंट प्राइस 15 बेसिक रेट इसमें अभी दिखाया, वो तो बहुत कमजोर रेट है, थोड़ा बढ़ा के मिनिमम 18 रुपया गोटा साल, उससे नीचे फैक्ट्री लोग नहीं देने तो, क्योंकि देखो इधर फैक्ट्री लोग यूज़ करने वाला सब लकड़ी होता है, 2 रुपया में फैक्ट्री किनता है, कोल होने तो भी 7 रुपया से, कोई बाहर से आना तो भी मैक्सिमम 11 रुपया, अगर जो दी आप साउथ इंडिया जाना तो उधर 20 से 40 रुपया में कोल मिलता है, लकड़ी बोलते तो 14 रुपया से 20 रुपया से मिलता है, फिर भी इधर इतना कम रिसोर्स में, आदमी को रिसोर्स में लेबर पेमेंट भी कम है इधर, हम लोग का साउथ का कंपेयर करने तो, मैं साउथ का है कंपेयर करना तो इधर कम है,
फिर भी क्यों अपना ये गांव में थोड़ा अच्छा पैसा गिरने तो पता का अच्छा ये चंगलान डिस्ट्रिक्ट का मेन इनकम मेरा ऐसे देखना तो ये चाय बागान है, वो चाय बागान में अगर इनकम अच्छा नहीं मिलने तो ये लोग कहाँ जाएगा। ये लोग चाय बागान के ऊपर तो मिनिमम रेट तो 18 रुपये का नीचे नहीं गिरने के लिए गवर्नमेंट भी देखना है चुका है। अभी गवर्नमेंट बोल रहा है मालिक से कुछ मिला लो, कल मालिक आएगा अभी मालिक क्या मालिक बोलेगा से मिलाएगा नहीं, नहीं जिन तुम लोगों को जो गवर्नमेंट तो बोल रहा है एडीसी बोला इन लोगों को जो बोलना कितना रेट मिलना गवर्नमेंट से वो देना बोला, मालिक बोल रहे सीधा उसको लॉस में चल रहे, लॉस में चलना वाला इधर क्यों बने ये लोग का पत्ता एक महीना के लिए चलाने के लिए लॉस में चलना वाला फिर क्यों चलाना और भी ये लोग का पेट पर मारने के लिए, उसको तो कुछ लॉस नहीं होगा, मिशनरी इधर बैठेगा ये लोग का पत्ता जाके बिक्री करके ये लोग का पैसा देता है ना, पहले तो पैसा नहीं देता है एडवांस तो कोई पता डेली भी प्राइस नहीं देता है, ये लोग का एक महीना चला के बिक्री करके उसके बाद में पैसा देता है, फिर लॉस में चलना वाला कैसे आगे पैसा देगा वो बात करें, किसको क्यों भरोसा में उसको बिजनेस में पता डालेगा। आप खुद सोच के देखिए अगर आपका बिजनेस लॉस है हम कैसे इन्वेस्ट करेगा, ये तो हम लोग का इन्वेस्ट है ना, कल आने वाला हमें इसमें पैसा मिलेगा सोच के कर रहे हैं ना। और एक चीज़ पूछना चाहूँगा ये फैक्ट्री में चल रहे हैं ना सारा फैक्ट्री में सर एक ही बात है इसमें ये चंगलान डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट ऑल यही चल रहे हैं, एक टू ये परसेंटेज का सिस्टम में बहुत हेवी है, ये टू बोर्ड एग्जाम पास करने जैसे है वो टू पास करने बहुत मुश्किल है, आज कितना अच्छा दे वो ये लोग हाथ में पड़ता है उसके लिए अभी मॉडरेशन के लिए ऊपर से आदमी दिया उसमें कुछ रिलीफ होगा हम लोग का विश्वास है, अभी ऊपर से चंगलान से आदमी भेजा है लड़का लोग का परसेंटेज निकालने के लिए दूसरा अपॉइंट किया फैक्ट्री से नहीं है अलग से रखा है, वो लोग से हम लोग रिलीफ एक भरोसा है वो लोग से हाथ से रिलीफ मिलेगा बोल के, अगर जो भी सिस्टम कुछ अलग मिशन कुछ निकालना पड़ेगा नहीं है तो कुछ